सूजागढ़ कंपनी के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है कि ओवरलोड गाड़ियां भर के ना ले जाया जाए, मगर फिर भी वह इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ना ही प्रशासन ध्यान देता है। पुलिस विभाग से लेकर वन विभाग तक सारे लोग अनदेखी कर रहे हैं। ट्रैफिक विभाग तो कुछ ज्यादा ही अनदेखी कर रहा है। ना शहर में एक ट्रैफिक वाला दिखता है और ना ही शहर में पुलिस वाला दिखता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड मैटर सूजागढ़ कंपनी के खड़े किए गए जवान हाथ में डंडा पकड़कर गाय मवेशी भगाते दिखते हैं। आलापल्ली शहर में प्रशासन के नाम पर खिल्लियां उड़ रही हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लॉयल मेटल सूजागढ़ कंपनी है। आखिर क्यों कोई अधिकारी राजनेता सामने नहीं आता? आप देख रहे हो इस वीडियो में कि एसजी महामंडल की गाड़ी किस तरह गड्ढे में बुरी तरह फंस चुकी है। आवश्यक 50 यात्री लोगों की जान जोखिम में फंस गई थी, मगर इससे लॉयल मेटल सूजागढ़ कंपनी को कोई लेना देना नहीं है और ना ही कंपनी के कोई अधिकारी को। उनको तो अपनी ओवरलोड गाड़ियों से मतलब है। आलापल्ली शहर में लॉयल मेटल सूजागढ़ कंपनी की आवश्यक 80 से 100 गाड़ियां रोज गुजरती हैं। शहर के रास्तों को अब मरम्मत की जरूरत है। कंपनी के उच्च अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम चला कि इन गड्ढों की वजह से इस महिला की जान चली गई। वह पेट में 9 महीने का बच्चा लेकर डिलीवरी के लिए चंद्रपुर जा रही थी, मगर गड्ढों की वजह से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लॉयल मेटल सूरजागढ़ कंपनी है। सूरजागढ़ ये पहाड़ी पे लॉयड मेटल्स नामक कंपनी जो माइनिंग कर रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि इन्हें अरबों रुपए उससे वो कमाते हैं। पर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, दोनों चीज़ों में ये लास्ट में ही आएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बस उनका दिखाने का एक जरिया है कि यहाँ पे हम ये चीज़ करने वाले हैं। सिर्फ बैनरबाजी करके वो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आलापल्ली से BCN News के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।